बच्चों को छुपा के खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और अब बन रही है हमारी, ये देखो ये मैंने जैसे दो तीन बना ली है। ये जी मेरे बच्चे की लुक, नहीं हमारी तरह लेट हो रहे हो तुम लोग। ये निशूर बुआजी की सेम ड्रेस है, चमक रही है दोनों। हैप्पी बर्थडे मेरा मुन्ना, ये हमारी बर्थडे गर्ल जी। दीदी को मुन्ना कहते हो? अरे ये मुन्ना ही है हमारा। केक ओपन हो गया जी। ये तगड़ी जोट है। सुबह के बज गए जी 9 और आज संडे है, तो आज यूं है कि हेयर ऑयलिंग का दिन है, तो ये लेके आ गई मैं अब तीनों के लगाने के लिए। लाइन से लूंगी सबको। ये निशु खारी ऑरेंज उठ के, योशी अभी जस्ट उठ के आई है, इन दोनों को लगाऊंगी, हस्बैंड को लगाऊंगी, मैं तो नहीं लगा रही आज। तो ये है, ये साथ में नींबू पानी, थोड़ी रनिंग करके आई, योगा थोड़ा सा, और थोड़ी देर घास में चल के आप पियेंगे नींबू पानी। इनके लगाती हूँ जी तेल, फिर हेयर वॉश हो जाएगा इनका टाइम से। राम राम जी, कैसे आप सभी? हम पर जी दया है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया है। और हो गया थोड़ा सा अपना काम, हो गया थोड़ी रनिंग एक्सरसाइज अपने से रिलेटेड, अभी घर का चलेगा तो संडे पूरे दिन रहेगा। और अभी थोड़ा मैंने रख दिया है गैस पे कुछ, आज कुछ थोड़ा स्पेशल बना रही हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कल शाम को बनाना था, लेकिन अभी बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में। तो सीटी लगेगी भी, कल बताया नहीं ना मैंने कि क्या बना रही हूँ, जो बनेगा वो तो आज पता चलेगा ना, दिखेगा कि बना क्या है। नहीं नहीं बताया होगा, तो अभी करते हैं इनके हेयर रोलिंग कर देते हैं, फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, बाकी सब पढ़ाई ये करते हैं, और संडे देखते हैं आज क्या कुछ नया होता है। भर के पूरा डब्बा भर गया लगा हुआ, ऑरेंज भी खा लेना। ये जी मैंने छोटे छोटे थोड़े बीन्स और बीटरूट कट किया है, बच्चों को छुपा के खिलाने की कोशिश करती हूँ। आ गया जी मेरा दोस्त, शहर से आया मेरा दोस्त। दोस्त की दोस्त भी आ गई, इसके रिश्तेदार भी आ सकते हैं अब, वो आगे ऊपर आके बैठ गया। ये जी बॉयल किए हुए वाले चने, सब कुछ इसमें डाल दिए तो भर गया, अब इन सबको मुझे अच्छे से मिक्स करना है, भर के निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। इसमें इनको मैंने उबाल लिया था, देखो मैश करना है। ये तो जी मैंने तैयार कर दिया, इसमें बीटरूट है तो थोड़ा सा उसका कलर आ गया, चने है ना जैसे, चने अच्छे से मैश नहीं हो रहे थे, वैसे गल चुके थे, सॉफ्ट थे पर थोड़े से वो हो रहे थे, जैसे कुछ दबाने के लिए होता ना तो सही होता, हाथ से थोड़ा निकल रहे थे कि छोटे हैं ना, तो मैंने चॉपर में लेके थोड़ा चॉप कर दिया उनको। तो ये चीज़ें मिक्स हो गई, इसको आप पराठे बना रहे हो पराठे भर के बना सकते हो, इसके आप चाहो इसके समोसे बना सकते हो, और मैं जो बनाऊंगी वो अभी मैं दिखा दूंगी, तो इससे कुछ भी चीज़ बना सकते हो। इस तरह का ये मिक्सचर तैयार हो गया, इसमें चने हैं तो चनों में है बहुत सारा प्रोटीन, मैंने कुछ सब्जियाँ भी ऐड कर दी, जैसे मेरे बच्चे थोड़े कम खाते हैं, आपके बच्चे अगर अच्छे से खा लेते हैं तो और ज़्यादा सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, मैंने धनिया इसमें नहीं डाला क्योंकि मैं चटनी बनाऊंगी तो इतना ही है मेरे पास आज, तो इसलिए धनिया ऐड नहीं किया, धनिया ऐड कर सकते हो, थोड़ा बीन्स या जैसे बीटरूट डाला, आप इनकी मात्रा को बढ़ा सकते हो, गाजर डाल सकते हो गाजर चाहो तो ये चीज़ें और कुछ ऐड कर सकते हो अपनी पसंद की, मैंने इसमें नहीं की ऐड। तो अभी बनाते हैं जी चटनी, पूरा बिखरा पड़ा है, धनिया की लहसुन की चटनी बनाऊंगी अभी।
तैयार हो गई जी। इसकी जो खुशबू आ रही है ना, इसके आगे सब फैल है। वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी, लाजवाब। बन गए धनिया, लहसुन, हरी मिर्ची और दही की चटनी। ये जी मेरा जो आलू, चना, प्याज और जो कुछ मैंने डाला था तो वो सब चीजें इसके अंदर डाली। इसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा चावल का आटा और अब बन रही है हमारी टिक्की। तो ये टिक्की बहुत हेल्दी है, फर्स्ट घर की है, सेकंड इसमें चना है और सब्जियां भी हैं बहुत सारी। तो आप छोटी बड़ी जैसी चाहो वैसे बना सकते हो। मैं जैसे कितने साइज की बना रही हूँ आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और बस थोड़ा थोड़ा, अभी देखो बिल्कुल कोई ज्यादा तेल वेल नहीं लगाएंगे हम, बस आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा जितना में काम हो जाए हमारा उतना इसमें तेल लगाएंगे और हमारी ये टिक्की बन जाएंगी। ये देखो ये मैंने जैसे दो तीन बना लिया, बस ये बन रहा है खाने में आज के। पर यही है कि ये लंच में ही हो जाएगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि कितना 11:30 आई थिंक हो गया है, टाइम तो थोड़ा लगता ही है जी। तो वही है भैया, अभी खाना लगे भी नहीं है तो बना लेते हैं जल्दी से ही सब। बनाने वाले का जी ऐसा हाल होता है, मैं खाना बनाए गर्मी लग गई थी, नहाई नहीं थी, मैं सोची खाना खा लूंगी फिर नहाने में लेट हो जाएगा, तो सोचा पहले नहा के आ जाऊं। तो नहा के आ जब गई तो दूध नहीं गर्म किया है, और कितना हो गया टाइम, लंच वाला टाइम हो रहा है, 1 बज गया, कितने बज गए, तो अभी दूध नहीं गर्म किया, अभी करते तो फट ना जाए, क्योंकि गर्मी होती है ना तो बहुत सारी ज़्यादा गर्मी है। अभी दूध रखती हूँ, और मैंने जो अपनी मेरी टिक्की बनाई थी ना वही की रख के खाई नहीं है, अभी पहले दूध गर्म करती हूँ। और आज खाने पीने के काम पे लग गई तो मेरा फोन का काम नहीं हुआ, अब लोग एडिट नहीं किया, जाया ही नहीं है, लोग 1 बजे के 11 बजे आते हैं, 2 घंटे तो लेट हो चुके हैं। अभी तो हुआ नहीं है, अभी मैं दूध रख के फिर वो काम करूंगी और फिर ब्लॉग को डाल के अपलोड करके फिर खाना खाऊंगी। हाँ भूख नहीं है मेरे को, मैंने थोड़ा बहुत बच्चों के साथ ऐसे चेक कर लिया था कि कैसी बनी है कैसे नहीं, इसलिए इतनी वो नहीं है मेरे को। तो अभी ये काम करती हूँ और खाना पीना का करके फिर आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं आज क्या होता है। आज तो जी दूध में ना आ रही है डब्बे में ना, क्योंकि 1 बज गया लेट हो गया ना, तो थोड़ी स्मेल सी आ रही है, फटना जाए कभी सारे का पनीर बन जाए। देखते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके रख दिया गैस पे, अब जो होगा वो देखी जाएगी। आज अभी दे रखा है जी 1 बजे, जब खाना बना रही थी टिक्की बना रही थी तो एक गैस चल रही है, ये वाली हो रही है खराब, साफ भी नहीं किया मैंने करूंगी तो ये खराब हो रही है। तो याद तो था कि दूध गर्म करना, पर तभी ये वाली मैं यूज कर रही थी वो चलती नहीं है, तो और फिर खाना बना के फिर भूल गई, नहीं तो खाना बनाने के बाद भी रख देती ना तो वो नहीं होता, डर नहीं था कि फटेगा। अभी तो ज़्यादा लेट हो गया, अभी स्मेल सी भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, देखती हूँ क्या रहता है। ये जी आज कलन सॉस और हरी धनिया की चटनी के साथ मेरी तो ये ठंडी हो चुकी है टिक्की, तो अभी खाते हैं, साथ में दही भी है, दही के साथ भी अच्छी लग रही है। ये देखो जी के काम हो गो, वॉशिंग मशीन की पाइप बाथरूम में डाल दो पानी के लिए, इधर तक सारा आ गया, ये सारा पानी भरा है इस रूम में, ये नीचे तक योशी इधर ही है, इसके पापा इधर ही है, इनको पता ही ना चला, ये लोग अपने काम इतना ध्यान नहीं, पूरे रूम में पानी भर गया, इसमें भर गया, इसमें पूरा भर गया, ये योशी लग रही है इधर निकाल ले हाँ इतने ध्यान में बैठे इनको यूँ नहीं पता, पानी ये पाइप बाथरूम में नहीं जा रही थी, बाहर पड़ी थी, बाहर से इधर इधर और सारी जगह चला गया, बस बाथरूम में नहीं गया, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, वो मैट भी गिला होगा वहाँ नहीं गया, और बात मार इसमें चला गया, इसमें चला गया, इधर आ गया, इधर आ गया, देखो पूरी रसोई कॉल पूरी रसोई में आ गया, और इसके साथ साथ पूरा इस हॉल में चला गया, ओ वहाँ तक गया बिल्कुल बाहर तक, ये भगवान, बस जाना चाहिए था वहाँ, वहाँ नहीं गया, बाकी सब जगह चला गया, यूँ लगा लो, ये देखो यहाँ तक दरवाजे तक आ गया, ये आ गया इधर तक, इधर भी है, अब ये क्या इधर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ये देखो कहाँ से कहाँ, मतलब काम खा का काम बढ़ गया, ये रसोई को किनारे निकल गया, ये ऐसी लग रही है नीचे लग रही है, मैं चाय बना रही हूँ और मैं इधर खड़ी होकर बर्तन धो रही थी, पता ही नहीं चला ये काम हो गया, बढ़ गया काम, बस बुरा लग रहा है क्या करें, इतना टाइम कहीं और लगाते काम खा का, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से।
ये बहुत ज्यादा देर में निकलेगा भी, जैसे लेके आ रही है वापस जरा नहीं हो रहा ना। आज मैं नहीं कर, ये इस रूम ये भी इधर लाएंगे, इधर से लाएंगे तो इधर से चला जाएगा वापस उधर से, बहुत टाइम लगाएगा ये, बहुत देर। ये बनवा लिए जी ना पॉपकॉर्न, मन नहीं करी, भूख लग रही, खाना पीना तो खाया नहीं ढंग से, तो एक पैकेट का और कितना खाएगी। अब चाय पी ली फिर साथ में, योशी चाय पी लेना, खा ले फिर खत्म हो जाएंगे तब करेगी। चाय बना के ले आई थी पर मन नहीं ना, मेरे पॉपकॉर्न बना के ला, मेरी चाय और ठंडी करा दी। ये चल रही है जी हमारी कुछ तैयारी, शाम के हो गए हैं 6:30। आज है भांजी का, मीनाक्षी का जन्मदिन, तो थोड़ा सा छोटा सा ये बात मैंने व्लॉग में अब तक नहीं बताई थी, तभी बता रही, क्योंकि थोड़ा सा डिसाइड नहीं था, डिसाइड तो सुबह हो गया था, पहले नहीं था, थोड़े कुछ रीजन थे, तो अभी जाएंगे तो 7 बजे का टाइमिंग है। निशु ने अपनी ये ड्रेस निकाली अपने आप, योशी ने अपने बर्थडे पे पहना था, तो योशी बोल रहे मैं बोलूँ योशी ये पहन ले इसको आज। हाँ बेटा, हाँ ये योशी पहन रही है जी, और मेरे पास एक ये व्हाइट चिकनकारी बोलते हैं ना इसको, ये कुर्ता है, इस पर इसमें वो भी है, ये स्टोन से भी है, क्या बोलते हैं इनको, देखो स्टोन ही बोल, स्टोन नहीं कुछ और बोलते ना, क्या सितारी, सितारियों का, तो ये वाला कुर्ता पहना हुआ है मैंने एक दो बार, वैसे हो सकता है व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वाला कुर्ता, इसके नीचे ये मल्टी कलर का वो है सर्कल प्लाजो, तो ये वाला सोच रही हूँ, और इसके ऊपर ये दुपट्टा कुछ तो मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें देखो ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर ये इसके साथ मैच हो रहे हैं, तो मैं इसको ओढ़ के देखूंगी। हाँ ये पहना था शायद, पहना था ना, हाँ पहना था जी, पहना था एक बार, तो ये दुपट्टे के साथ ट्राई करूंगी, देखो ऐसा कॉम्बिनेशन है, पहनूंगी तब ट्राई करूंगी, दुपट्टा अगर सही लगेगा तो ये दुपट्टा ले लूंगी, थोड़ा अलग नया लुक हो जाएगा, नहीं तो दुपट्टा मैच नहीं करेगा तो फिर रहने दूंगी, सिर्फ ये कुर्ता और ये पहनूंगी, तो ये ड्रेस फाइनल हो गई, थोड़ा प्रेस व्रेस मारते हैं। ए भगवान हाँ, एक आधी कदी चीटी ना खा जाए, पता नहीं कपड़ों में कहाँ से चीटी घुसी रही है, समझ में नहीं रहा। निशु ये तो तेरे बहुत साल बाद आएगा, ये तो तेरा गाउन बन गया, वाह 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 वाह, मिरर में देखे कैसी लग रही हूँ, बोले अपनी ड्रेस नीचे गिर दी, सुंदर लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा, तो अभी जी थोड़ा रेडी हो जाते हैं। 6:30 तो हो गए हैं जी, 7 बजे का थोड़ा टाइमिंग है, और वही रहता है कि अगर थोड़ा सा कुछ 5-7 मिनट में पहले रेडी हो गई, पर लग नहीं रहा, 1/2 घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि अभी प्रेस व्रेस होगी और कुछ किया ही नहीं है, थोड़ा काम खत्म किया है बस घर का, कपड़े वपड़े फोल्ड किए, रखना सुखाना, बर्तन वर्तन वो सब खत्म हो गया, मतलब अभी यही काम बाकी है, तो रेडी होते हैं थोड़ा सा, और कुछ 5-7 मिनट पहले रेडी हो जाऊंगी तो एक वीडियो बना लूंगी, ये वाला थोड़ा सा रहता है, तो देखते हैं अभी होते हैं रेडी होकर फिर मिलते हैं आपको। ये जी मेरे बच्चे की लोग नहीं, हिल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सही से गिर जाएगी, ये देखो ये बच्चा रेडी, ऊपर मुकर बहुत सुंदर लग रहा मुझे, तो थू नजर ना लगे मेरे बच्चे बेटा, अभी आप बच्चे हो, हाँ ठीक है, हील वाली चप्पल चाहिए जी इसको, ठीक है, मम्मा को दिखाइए एक बार रिकॉर्ड कर लेना, दो रिकॉर्ड हील इस पे ज्यादा मैचिंग नहीं कर रही, ब्राउन कलर नीचा बेटा, ये कितना घिसड़ेगा नहीं तो, ऊपर से तो दिखा दे मेरी ड्रेस, थोड़ा पीछे जाओ ना आप, उधर चला जाओ थोड़ा पीछे, मैं कहां पीछे जाऊं, पीछे दीवार है, पूरा दिख रहा हूं, हाँ दिख रहे हो, ये जी मैंने 3D वाला सूट बना लिया अपना, ये देखो नीचे का ऐसा, ऊपर का ऐसा, और ये दुपट्टा कैसा लग रहा है, 3D का सूट बना, मेरे को सही लगा तो मैंने ये पहन लिया, और नीचे मैंने हिल डाली, क्योंकि नहीं ये नीचे वो थोड़ा नीचा है तो घिसड़ता है, तो फिर मैंने हिल डाली, अब सही कैसा लगा, अभी योशु बच्चे को भी दिखा भाई, ये देखो जी ये मेरा बच्चा ऐसा, नई चोटी अच्छी लग रही है, ये मेरा जी दूसरा बच्चा सुंदर लग रहा है, पर थोड़ा सा ये पता इसने वो मारा परफ्यूम वगैरह, उसकी स्मेल आ गई होगी, कई बार होता है, ओ याद आ गया, हाँ पता नहीं थोड़ा सा जुकाम सा हो गया, कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक, थोड़ा सा गर्म पानी वानी पी ले, कैसी लग रही हो जी पता नहीं, देखते फोटो वोटो में पता लग जाएगा, पता नहीं मेरी जो मैंने मैचिंग करी है कैसी जाएगी कैसी नहीं, ठीक है चलता है, अच्छा लगा तो भी ठीक, थोड़ा कम अच्छा लगा तो भी ठीक, चल चल चल, ये मिल गए जी बच्चे को, हमारी तरह लेट हो रहे हो तुम लोग भी, नमस्ते नमस्ते, है जी जल्दी जल्दी आ जाओ, बातें कम करो, ये बुआजी जी निशुर बुआजी की सेम ड्रेस है, चमक रही है दोनों, हैप्पी बर्थडे मेरा मुन्ना, ये हमारी बर्थडे गर्ल जी, दीदी को मुन्ना कहते हैं, अरे ये मुन्ना ही है हमारा, वाह भाई वाह, आ गए केक वेक भी आ चुका है जी, हमारा ही वेट हो रहा था लग रहा है, बोल भाई बर्थडे गर्ल तेरा लुक दिखा, पर वो थोड़े बीमार हो गए ना, मूसा वो हो गया चिकू चिकू सा, ये तीनों एक सी हो गए, एक जोड़ के, अरे चीका आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो,
अबे और ये देखो छोटी छोटी कैसी परियां बन के आई है जी, सुंदर सुंदर बच्चे। ए अभी तू तो आज के ब्लॉग में आई नहीं थे, नमस्ते आई नहीं, नमस्ते तू कहाँ छुप रहा था है? हमारी ये दीदी सबसे लेट आई है जी, और थोड़े और गेस्ट आ चुके हैं, और एक गेस्ट ये रहे साड़ी वाले। दीदी सबसे ले आ गई हमारी भूमिका पिंक पिंक बन के। लेडीज उन्नी जी अपनी टोल हो गई, बच्चों की उधर अपनी हो गई बड़े बड़े, और निशु ये दोनों को तो अलग ही बैठे रहना है कोपचे में बैठ के, इनकी पता नहीं क्या बातें चले हैं दोनों की। केक की ओपनिंग कर देते हैं जी, एक और नए मेहमान आ गए जी, केक ओपन हो गया जी। ये हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी, सब बच्चे जी केक काटने की तैयारी होकर धीरे धीरे आ गए केक के पास। चलो भाई चलो, बच्चे पार्टी आगे लेते हैं। दीन गई, अरे आ जाओ, दीन बच्चों ने बना दी। अरे छोटे छोटे आगे आ जाओ, बड़े पीछे हो जाओ बेटा। तू भी चली गई, आ जाओ आ जाओ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीनाक्षी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर, मे गॉड ब्लेस यू डियर, मे गॉड ब्लेस यू डियर, हैप्पी बर्थडे। बेटा वैसे एक चम्मच फिर अलग से तो निकाल ले का तो पीस। ए योशी मीनाक्षी, मीनाक्षी मीनाक्षी यूट्यूब में आने वाला है ये, अब देखा है। मीठा नहीं खाना, चीनी मीठा मतलब थोड़ा सा स्नैक्स लग दिया जी बच्चों का, प्राइमी है और केक लग गए सब छोटो मोटो। ए राहू ले मैं ले उठ यार, चल तू उधर हो जा, मम्मा पास खाएगी इधर ही खाएगी। अच्छा साइड हो जाओ, बच्चे हैं जी। ये आ गया जी हमारा स्नैक्स, तो लेते हैं अभी। बच्चों ने इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं जी, सारे फुल मस्ती चल रही है, बैठ ही नहीं रहे। ये बड्डे गर्ल इधर बैठी है मुश्किल से, ये भी थक के बैठी है, पूरा घूम रहे हैं सारे में, और इधर लेडीजों के पहले चल रही है। लग गया जी बच्चों खाना, लग गया बच्चे खाने लग गए। हाँ भाई कैसा खाना दाना चल रहा है, बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मजे से खा रहे हो? सब लगे जी दबा दब खाना लेने। बस बस हाँ, प्याज रखना एक दो, खीरे रख देना एक, इस कतरे एक दो। आ गई है नान, तो अभी इन लोगों ने एक्चुअली खाना खाना शुरू किया है, और बातचीत भी चल रही है बीच बीच में। मम्मी बताओ कैसा है खाना? बुआ जी खाना कैसा है? Thank you.
खाना पीना हो चुका है जी, गेस्ट आए थे जाने लग गए हैं। हैप्पी बर्थडे अगेन, बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा हैप्पी रहे, हेल्दी रहे। अभी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अभी। अभी ने गिफ्ट भी ले लिया, हाँ इधर से सारे गिफ्ट ले लिए। अरे अभी देर करना चाली, दे गिफ्ट मैंने दे दे। ए मीनाक्षी, मीनाक्षी बहुत ज्यादा गिफ्ट होगा तो मैंने दे जा एक, तू ले लियो। अरे बेटा तेरा से आता, तेरा दिन आज तो ना ना बाबू आ जाओ, ये हमारी पिंक डॉल। अरे चले नी दे, मम्मी बेटी ने दोनों ने मैच मिला रखा, पिंक पिंक है ना। और तो अभी देखिए मेरे ध्यान आ गया ना, अभी योशी का भी मिल रहा है, इसका भी पिंक पिंक, आपका भी मिल गया। हे दीदी आपने आपने बाय करना है, ऐसे सारा देख लो ना भाई। अरे अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है भाई, चल भाई अभी तो पार्टी का डांस तो बची रहे अभी है ना भाई, मारो डांस तो बस हो लियो भाई, मारो डांस तो। कहाँ चलूँ तेरे साथ है? अरे तू रुक नहीं रहा है, मेरा घर उधर नहीं, मेरा घर दूसरी तरफ है, मैं आपके साथ कैसे चलूँ? कल शाम को मिलेंगे और बाबू। चलो जी सब गेस्ट चले गए, बुआजी भी चले हैं, बाय 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 बाय। ये जोट देख लो, ये तो साथ में रहनी है, जोट तो तगड़ी जोट है। हाँ आज एक सीना पैर गई, पर ये ड्रेस अलग अलग कर पैर है आज। ये पार्टी में से आए हुए जी, थोड़ी सी देर हो चुकी है और नाना नहीं हुआ है, तो अभी कपड़े चेंज करते, मैं एक दो रील बनाने लग गई थी, थोड़ी सी वीडियो मैं एक दो बना लेती हूँ अभी। थोड़ा सा आज कपड़े वपड़े थोड़े से नए पहन रखे हैं, अलग पहन रखे हैं थोड़ा सा, तो एक दो वीडियो बना लेते हैं। थोड़ा सा तैयार हो, उसी दिन लगता है कि एक दो वीडियो बना ले, स्पेशल तैयार होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो बस जल्दी से थोड़ा सा काम खत्म करते हैं, नाना तो पड़ेगा, गर्मी बहुत है, और फिर सोते हैं क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है, जल्दी जाना है। और पार्टी बहुत अच्छी रही, बच्चों ने बहुत सारा इन्जॉय किया, हमने भी बहुत सारा इन्जॉय किया, अच्छी टेस्टी टेस्टी खाना और बहुत अच्छा लगा। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, और मीनाक्षी को बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले व्लॉग में, आप सभी को शुभ रात्रि, राम राम जी।